नमस्कार, स्वागत है आपका बिसिन की खास पेशकश doctor.com पर। वैसे तो मैं चाहता हूं कि आज इस मुलाकात को doctor.com ना कहते कुछ अलग नाम दो, क्यों ना हम इस मुलाकात को हम दिल से दिल तक की बात कहें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है वो डॉक्टर निधिश मिश्रा जी हैं, जो कि सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं न्यू एरा हॉस्पिटल के। इससे पहले भी डॉक्टर साहब से बातचीत हो चुकी है और बहुत प्यारी बातचीत हो चुकी है हमारी, चूंकि दिल से दिल तक की बात मैं जो कर रहा था। डॉक्टर साहब, फिर से एक बार आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई पूरे आपके टीम को, क्योंकि डॉक्टर्स डे है। धन्यवाद। तो इस औचित्य पर आप दिल से दिल तक की बात जैसे मैंने कही थी, तो दिल की बात आप दर्शकों को किस तरह से उजागर करेंगे? देखिए, बात जब आती है हार्ट की जी, तो हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, जो एस्पेक्ट जो लोग सुनना चाहते हैं, वो है कि हम कैसे बचें दिल की बीमारियों से। ट्रीटमेंट तो नेक्स्ट स्टेप है, जब पेशेंट या कोई व्यक्ति हार्ट अटैक लेके आता है वो तो लास्ट स्टेज हो गया। तो ज्यादा इम्फेसिस अपने टॉक पे, डिस्कशन पे इस बात पे होना चाहिए कैसे बचा जाए, किस प्रकार से हम चीजों को पहले से रिकॉग्नाइज करें, जैसे ये ऐसी स्टेज या ऐसी अवस्था ही ना आए कि हमें हार्ट अटैक आए। जी, यानी प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, जो कहावत है मेरे ख्याल से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब हम दिल की बीमारियों की बात करते हैं, एक आधुनिक जनरेशन की हम बात करें या एक ऐसी पीढ़ी, युवा पीढ़ी की हम बात करें जी, तो कुछ पिछले दौर में कोरोना के पहले से ही ये देखा गया है कि यंग एज में हार्ट डिसीजेस का प्रमाण जो है एक ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, आप क्या समझते हैं, क्या इस पर प्रकाश रोशनी डालेंगे? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के कॉन्टेक्स्ट में। अगर अपन देखें पिछले 5 साल या और भी पहले से, अपन देखते हैं कि एक जो प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, जो कि समय से पहले हो जाता है, और इसकी डेफिनेशन मेल में यानी आदमियों में बिफोर 50 ईयर्स और फीमेल्स में बिफोर 60 ईयर्स है। इनफैक्ट इंडिया में तो हम 30 और 40 ईयर्स में कॉमनली हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, और ऐसी संख्या ऑलमोस्ट 30% है ऑफ टोटल हार्ट अटैक आज की डेट में जी। उसके कारण जो है एक या दो नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो हमें दिख रहा है आज की डेट में वो है आज की लाइफस्टाइल, जीवन शैली जी। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बिफोर इंटरव्यू कुछ डिस्कशन किया था जी, जी। अगर अपन आज के युवा को देखें, आप एक फिजिक देखें, आज 20 से 30 साल के व्यक्ति का फिजिक देखें और आप याद करें आप कैसे थे उसी एज में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे थे उस एज में, तो नेचुरली आपको दिखेगा वो युवा जो व्यक्ति जो है ज्यादा स्ट्रेस्ड है आज की डेट में जी। जनरेशन टू जनरेशन जो डिफरेंस हो रहा है वो कोई ऐसा पॉजिटिव डिफरेंस नहीं, अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, अपना फिजिकल स्ट्रेस, उसका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटेटिव लाइफ स्टाइल है। देन फूड हैबिट्स की अगर अपन बात करें, तो आपको पता है आज आपको एक्सेस है, आपके पास जोमैटो है, आपके पास स्विगी है, आपके पास एक्सेस है सारे टाइप के फूड्स के लिए, आपके पास प्रोसेस्ड फूड का घर में भंडार पड़ा हुआ है जी। तो आप हर चीज जो है घर में, जो आप जंक करते हैं, जो आप स्नैकिंग करते हैं, दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, फूड, देन लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजकल हम लोग पेट के लिए कम और टंग के लिए ज्यादा खा रहे हैं। आज आप ये बताएं कि आज से 20 साल या 25 साल पहले आपके पास आप साइकिल से स्कूल जाते थे, आप पैदल वॉक करके जाते थे गाँव में लोग, आज लोगों के पास मोटरसाइकिल है, कार है, आज हार्डली आप अपने फोन से, आपके पास स्मार्टफोन है, आप अपना स्टेप काउंट देख लें, अगर आपका 2,000, 2,500, 3,000 है तो बहुत मीगर अमाउंट है, आप इतने, इससे आपकी ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो आपका आपका डाइटरी पैटर्न, आपका लैक ऑफ साइज, आपकी स्ट्रेस, ये सारी चीजें जो है यंग एज में कंट्रीब्यूट करती हैं हार्ट डिजीज को, ना केवल हार्ट डिजीज को बल्कि दूसरी बीमारियों को भी। तो ये एक बात होगी। दूसरी एक जो बात पहले भी रही है वो है प्री मेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज नॉर्मली इनहेरिटेड होता है आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, अगर घर में किसी को हार्ट अटैक अर्ली एज में आया है तो आपको आने की संभावना है, ऐसे लोगों को और सजग रहना चाहिए। मतलब एक हिस्ट्री अगर आप घर में फैमिली हिस्ट्री है तो आपने उस बारे में अपने आने वाले लाइफ में उसका प्रिकॉशंस के लिए तैयार रहना, और हिस्ट्री भी ऐसे लोगों में जहां पे घर में अर्ली एज में हार्ट अटैक्स आए हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली इनहेरिट होता है जी। हार्ट प्रॉब्लम में जैसा आपने कहा कि कई सारे उसके पैटर्न्स होते हैं, तो ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी बड़ा दुश्वार हो जाता है। आम जिंदगी की अगर हम बात करें तो हम, जैसे मैं अगर कहूंगा फॉर एग्जांपल कि मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है, तो इट मे बी सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक और इट मे नॉट बी सीरियस हार्ट डिजीज। कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, इसमें पैटर्न जो है हार्ट डिजीज का नॉर्मली अपने को रिकग्नाइज आप खुद से तो नहीं कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना पड़ता है, बट जो हिंट्स हो सकते हैं, जो एक आपको हमें इस बारे में बता सकते हैं कौन सा पैटर्न ऐसा है, कौन सा पर्टिकुलर टाइप के सिम्टम्स आपको आएंगे, तो आपको ज्यादा हो
होशियार होना चाहिए, आपको जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है हम अपने कार्डियोलॉजी में यूज करते हैं, उसको अपन एंजाइना बोलते हैं जी। एंजाइना यानी कि हार्ट से आने वाला डिस्कम्फर्ट, ये एक्चुअली पेन नहीं होता है। टू बी फ्रेंक, अपन चेस्ट पेन की बात करते हैं, ये एक्चुअली पेन नहीं होता, एक तरह का डिस्कम्फर्ट होता है जो पूरे चेस्ट को इन्वॉल्व करता है। नॉर्मली आपको जैसे कहीं लोकलाइज्ड पेन या पिन पॉइंटेड पेन, एक बहुत ही स्मॉल एरिया चुभने वाला वो कभी भी हार्ट का नहीं होता। तो इस प्रकार का दर्द जो इसको मैं एंजाइना बोलते हैं या सभी एंजाइना डिस्क्राइब करते हैं, एक तरह का वेग डल पेन, चोकिंग जैसा, ऐसा लगता है किसी ने बहुत बड़ा वजन रख दिया हो छाती के ऊपर, सांस लेने में तकलीफ। अच्छा, ये स्टार्ट होने के पहले आपको वार्निंग सिम्टम्स, ये तो हो गया एंजाइना एट रेस्ट जो आप बैठे हैं, इसके सिम्टम्स आपको पहले ही आने लगते हैं जो आप वॉक करते हैं। जैसे नॉर्मली एक जो हमें हिस्ट्री मिलती है, व्यक्ति बोलता है कि मुझे पहले तो मैं 3 किलोमीटर वॉक करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब मैं आधा किलोमीटर भी वॉक करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा चेस्ट में टाइट हो गया है और मुझे रुकना चाहिए, मुझे दम आने लगा बहुत ज्यादा, मुझे स्वेटिंग होने लगी जब मैं वॉक करता हूँ, मुझे रुक जाना पड़ता है और फिर 5 मिनट बैठता हूँ और फिर मैं वॉक कर सकता हूँ। तो एक तरह का ये एंजाइना है ऑन एक्सर्शन, और ये जब बढ़ते बढ़ते एंजाइना एट रेस्ट होने लगता है, जो आपको बैठे बैठे भी वो सिम्टम आने लग जाए, मतलब आप हार्ट अटैक आने के बहुत करीब पहुंच करीब, मतलब कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है आपका शरीर कि आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। और अब जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए हैं कि आपका डिस्टेंस जो है वॉकिंग डिस्टेंस कम हो रहा है, इट मींस आपको जल्दी से जल्दी अपने फिजिशियन या हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए जी। अब जैसे हम कह रहे हैं कि हार्ट अटैक की बात करें, तो हार्ट अटैक से रिलेटेड भी कुछ और ऐसी चीजें आती हैं जो हमको एक संकेत दे सके कि हाँ भैया अब आपको अतिशय सावधान हो जाना चाहिए। यही जैसा मैंने इसी जो लास्ट आपको आंसर दिया, इसी कॉन्टेक्स्ट में जब आपका ये जो फीलिंग आपको जो चेस्ट में हो रही है, जिसको आप अनयूजुअल, आपने पहले कभी फील नहीं किया, एक बड़ा कॉमन सा सिम्टम है, कॉमन सी कंप्लेंट जो हार्ट अटैक का व्यक्ति हमें आगे करता, बोलता है डॉक्टर साहब एसिडिटी हो रही है हमें। जी जी, वो हमेशा एसिडिटी से कंफ्यूज करता है और बड़ा एक डिनायल होता है व्यक्ति को कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम तो हो नहीं सकता, ये तो एसिडिटी है, कल रात में मैंने ये चीज खाया था, वो चीज खाया था, उसकी वजह से मुझे आज एसिडिटी में जब अपन प्रिसाइजली जाते हैं, तो वो एसिडिटी जो हम उससे पूछते हैं कि भाई ये एसिडिटी आपको है तो पहले भी ऐसी एसिडिटी आपको होती रही होगी जी, तो बोलता नहीं ये एसिडिटी मुझे पहली बार इस प्रकार की हो रही है। तो कोई भी न्यू टाइप ऑफ एसिडिटी जो आपको पहले कभी नहीं हुई, ऐसा हैवीनेस चेस्ट में या पेट के ऊपर वाले हिस्से में या चेस्ट में आपको ऐसी फीलिंग आया, ऐसा सफोकेशन लगे जो आपको पहले नहीं आया है और आपको एसिडिटी जैसा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको जाके किसी से जरूर करा लेना चाहिए। मतलब जो भी हार्ट रिलेटेड आपको पेन हुआ, जैसे आपने एंजाइना कहा, तो उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है आपको, बिल्कुल भले चाहे वो, क्योंकि एसिडिटी का अटैक और हार्ट अटैक में बहुत ज्यादा डिफरेंस, आम लोग तो हमारे जैसे इंसान रिकॉग्नाइज करना इवन डॉक्टर्स के लिए भी डिफिकल्ट होता है, अनलेस हम उसको कई बार उसको इन्वेस्टिगेट ना करें, तो कई बार हमारे लिए भी मुश्किल होता है कि एक्चुअल में डिस्पेप्सिया या एसिडिटी वाले सिम्टम्स हैं या रिफ्लक्स सिम्टम है या एक्चुअल में हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अब डॉक्टर साहब, जहां हमने इतने प्रॉब्लम्स की बात कर रही, हम लोगों ने सिम्टम्स दिख ले कि कैसे होता है, तो इनसे बचने के भी तो कुछ उपाय होंगे, कुछ तो हम कि उस स्टेज तक ना पहुंचे, इसके लिए भी कुछ एक गाइडलाइन होगी? बिल्कुल है, और अपना टॉक का फोकस भी वही होना चाहिए किस प्रकार से बचे। तो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई व्यक्ति अगर है तो उसको उसको रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए। तो रिस्क फैक्टर्स जो आज की डेट में कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको अपन चेंज कर सकते हैं, लाइक डायबिटीज अगर आपको है तो आपको अपना डायबिटीज कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन बीपी है तो आपको बीपी कंट्रोल करना है, उसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे हर 3 या 6 महीने में अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करनी चाहिए, उसको अपने डॉक्टर की 3 या 6 महीने में जी, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं कोलेस्ट्रॉल की जो बात कर रहे हैं सर, और कुछ जो बेसिक जो टेस्ट होते हैं खास करके उन लोगों ने तो करने करने चाहिए जिनकी, जैसे आपने कहा कि जिनमें पेरेंटल में अर्ली एजेस में ऐसे प्रॉब्लम, इनफैक्ट न्यू गाइडलाइंस जो इंडियन आई है कोलेस्ट्रॉल गाइडलाइंस, वो 20 ईयर्स के ऊपर हर व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग की बात करती है आज की डेट जी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यंग एज में जहाँ ये डिसीजेस की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वहां पर ये बिल्कुल लाजमी है कि हम लोग इसको, और वेस्टर्न पॉपुलेशन की तुलना में हमारे जो कोलेस्ट्रॉल जो लेवल्स हैं उसको भी काफी नीचे रखा गया, क्योंकि वी आर एट वेरी हाई रिस्क, एशियंस और इंडियंस आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट अटैक्स। ओके, तो हमारे लेवल्स इवन और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो ये तो रही कोलेस्ट्रॉल वाली बात, उसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको एक्सरसाइज, डाइट, इन सब के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल, आप ट्रेनर के अंडर आपको वेट लॉस पे ध्यान देना है, आपको वेट नहीं बढ़ने देना है, देन डाइट पे आपको बहुत
बहुत ज्यादा ध्यान देना, वी कैन कम टू दैट पॉइंट अगेन, फिर से डाइट के कॉन्टेक्स्ट जी, मैं उस पर भी ज्यादा रोशनी आपसे इसलिए डलवाना चाहूंगा क्योंकि जैसे भी हमने भी थोड़ी देर पहले बात करी कि आज जंक फूड का है, फास्ट फूड का है और प्रोसेस फूड को हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो आपके और हमारे जमाने में वो माँ के हाथ का खाना जो है इसको मिस कर रहे हैं जी। तो मिस तो कर ही रहे, जब वो नहीं खा रहे तो हमको, हम वो हार्ट डिसीज को स्पेशली मैं कहूंगा उसको इनवाइट कर रहे हैं जी जी बिल्कुल। तो इसको क्या डाइट और एक्सरसाइजेस आप रिकमेंड करते हैं? देखिए एक्सरसाइज की जब बात आती है तो एक जो हमारी गाइडलाइंस हैं, कार्डियक कार्डियोलॉजी गाइडलाइंस हैं या WHO रिकमेंडेशन हैं रिगार्डिंग एक्सरसाइज, वो ये बोलते हैं कि आपको 150 मिनट्स अ वीक यानी 150 मिनट का एक हफ्ते में एक्सरसाइज शेड्यूल होना चाहिए, जिसको आप 30 मिनट्स पर डे के हिसाब से 5 दिनों में डिवाइड कर दे, 2 दिन रेस्ट रख सकते हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी से मतलब होता है आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, आपको एक 30 मिनट्स जो है बिल्कुल आप लेजरली वॉकिंग ना करें, थोड़ा ब्रिस्क वॉक जैसा करें 30 मिनट्स पर डे पर। दौड़ने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो अगर आप दौड़ते हैं तो आप या तो आप दौड़ भी सकते हैं, वो कोई मना नहीं उस चीज के लिए, बट सारे जो अपन बात करते हैं जनरल एप्लीकेशन सारे लोगों के, तो ब्रिस्क वॉकिंग इज रिकमेंडेड। अगर आप रनर है तो आप दौड़ सकते हैं, अगर आपके घुटने आपको वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते तो आप स्लो भी चल सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्टेशनरी साइकिलिंग है। देन एक्सरसाइज में और भी दूसरे पार्ट है, लाइक ये तो पार्ट हो गया होगा वॉक कर का, एक होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात होती है और एक होती है योगा वाली बातें। तो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इज इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ योगा ही करना है, योगा से आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होगी, तो आप जो भी आपका शरीर आपको परमिट करता है, यस यस, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज यूजफुल। अगर आप सभी कुछ करते हैं, तीनों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग योगा कार्डियो, तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ पर्टिकुलरली प्रेफरेंस रखते हैं पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, वो भी आप कर सकते हैं, बट आपको एक 25-30 मिनट एक्सरसाइज डेली आपको देना चाहिए शरीर के लिए, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, बाकी 2 डेज आप रेस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, हम लोगों ने बीमारी की बात कर रहे हैं, इससे बचने के लिए मतलब बीमारी ना, इसके लिए भी हम लोगों ने आपने अच्छा सा गाइडलाइन दे दिया, लेकिन बीमारी हो ही जाती है और आज के आधुनिक युग की अगर हम बात करें, आप न्यू एरा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से हैं, तो क्या एडवांस टेक्निक्स मौजूद है हमारे पास में कि हम डिसीज होने के बाद में भी, हार्ट डिसीज हमारे पास में है तो हम इससे बचने के लिए क्या क्या एडवांसमेंट हमारे पास में उपलब्ध है? देखिए एडवांसमेंट जो है आज के डेट में हार्ट अटैक की, स्पेशली हार्ट डिजीज की बात करें, तो काफी हद तक ऐसा हो गया है कि एक व्यक्ति अगर समय पे अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए हार्ट अटैक लेके, इससे पहले उसका हार्ट फेलियर हो जाए या कार्डियक पूरी तरह से अरेस्ट हो चुका हो, अगर वो टाइमली पहुंचता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। आज के टेक्निक्स, आज की डेट में जो सारी सुविधाएं लगभग सभी कार्डियक हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, और ये जो सुविधाएं हैं, अगर अपन बात करें हार्ट अटैक से, अगर अपन लेते हैं एंड व्हाट इज द गोल्डन आवर फॉर हार्ट अटैक, अगर वहां से स्टार्ट करें, तो अगर कोई व्यक्ति हार्ट चेस्ट पेन होने के या चेस्ट डिस्कम्फर्ट होने के विद इन एन आवर अगर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, और अगर अपन उसको ट्रीटमेंट उसी टाइम पे दे देते हैं, जिसको आज की डेट में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, इमीडिएटली उनको कैथ लैब में ले जाके एंजियोग्राफी करके वो ब्लॉक जिसकी वजह से उनको अटैक आया उसको फिक्स कर दें, तो हार्ट अटैक के जो मैक्सिमम जो चेंजेस हैं, जो हार्ट में जो डैमेज हुआ उसको रिवर्स किया जा सकता है, ये इस चीज का बेस्ट ट्रीटमेंट है, और इसको अपन हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए गोल्डन आवर भी बोलते हैं। गोल्डन आवर का मतलब यही होता है कि उस पर्टिकुलर आवर में, 1 आवर में हमने क्या स्टेप लिए उस ट्रीटमेंट, उस पर्टिकुलर हार्ट अटैक के लिए, मतलब एक बार जो आपको गोल्डन आवर, वो मैं जो समझ रहा हूँ कि आपको जैसे वो सिम्टम्स आया और उसमें जितने अर्लियर स्टेज में आप हॉस्पिटलाइज हुए और आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया, दैट इज गोल्डन आवर। हमारी भाषा में उसमें एक वर्ड यूज होता है टेक्निकल लैंग्वेज में, उसको अपन डोर टू बलून टाइम बोलते हैं। ओके। एक पेशेंट अंदर हॉस्पिटल में एंटर होता है और उसकी एंजियोप्लास्टी में हमने बलून करके उसको ओपन कर दिया उस ब्लॉक को, दैट शुड बी केप्ट एज लेस देन 90 मिनट्स। तो अगर वो 90 मिनट से कम है तो लॉन्ग रन में देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स को जो है फायदा काफी होता है, उनके हार्ट के फंक्शन को अपन काफी हद तक प्रिजर्व कर पाते हैं और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। बिकॉज अगर ये गोल्डन आवर आपने लूज किया और 6 or 8 hours और मे बी 24 hours हो गए और फिर उसके बाद हॉस्पिटल गए और कई बार एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने पे भी आपका हार्ट का मसल अगर डैमेज हो गया है तो कई बार रिकवर नहीं होता है वो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है गोल्डन आवर की, इंपॉर्टेंट गोल्डन आवर को समझना। जी बिल्कुल, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उस पर एम्फेसाइज कर रहा था कि थोड़ा सा ज्यादा उस पर रोशनी डाले तो लोगों को भी वो समझ में आए। हार्ट अटैक इज नॉट द ओनली डिसीज रिलेटेड टू हार्ट,
और भी बहुत सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते होंगे, जैसे हम अगर मैं अपनी वो गांव वाली भाषा में अगर आपको हार्ट में होल होना या अन्य प्रकार के जो डिजीजेस, तो वो भी उसको कैसे आप आइडेंटिफाई? देखिए, हार्ट डिजीजेस जो नॉर्मली जो बर्डन है बेसिकली जो हम बोलते हैं इश्केमिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो मेजोरिटी जो पेशेंट्स को हमारे मिलता है हमारे एक जनरल ओपीडी में 90% पेशेंट्स जो है वो यही प्रॉब्लम लेके आते हैं जी। बाकी जो 10% पेशेंट्स होते हैं उनको वेल्वुलर हार्ट डिजीज यानी वाल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिनमें उनके वाल्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है, वाल्व में सिकुड़न हो सकती है, वाल्व में लीकेज हो सकता है। हमारे हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं, उनमें से कुछ वाल्व्स मिट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व में प्रॉब्लम्स ज्यादा होने के चांस रहते हैं। उसके अलावा एक और सेगमेंट होता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जहां बच्चों में हार्ट की बीमारियां होती हैं, उसमें आजकल एक डिफरेंट स्पेशलिटी ही डेवलप हो गई, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी बोलते हैं। बच्चों में पैदाइश से उनके बाई बर्थ कुछ होल्स रहते हैं। हमने वो एक ज्यादा सुना है कि हाँ बच्चों के हार्ट में जैसे उसका बर्थ हुआ तो हार्ट में होल पाया गया। जी जी, तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंतर्गत वो सारी चीजें आते हैं, मल्टीपल टाइप के सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप के हार्ट डिजीज हो सकते हैं बच्चों को, तो वो भी एक सेगमेंट है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा एक और सेगमेंट होता है हार्ट प्रॉब्लम्स, उसको अरिथमियाज बोलते हैं, जिसमें हार्ट रेट जो है कई बार बहुत फास्ट हो जाती है, कई बार बहुत स्लो हो जाती है, आपने सुना होगा पेसमेकर लगाया गया। जी, जी, जी। तो ये सब रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रह सकती है, जिसमें ये एक अलग प्रकार का कार्डियोलॉजी सेगमेंट है। और इसके भी अलग स्पेशलिटी हो गई जिसको अपन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बोलते हैं। मतलब ये तो इतनी ज्यादा बीमारियां इतनी बढ़ रही, तो हार्ट में 3-4 सब स्पेशलिटीज आज की डेट में हो गई। एक मेरा ऐसा सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि एक कोरोना महामारी से हम लोग गुजरे हैं और बहुत सारे उसमें रूमर्स है या फैक्ट है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने ये सवाल आपसे पहले भी पूछा था, ऑब्जेक्ट है मेरा, लेकिन दर्शकों के लिए भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना के वैक्सीनेशन से हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है, ऐसा एक ऐसी चर्चाएं हैं, तो ये कितनी फैक्ट है? देखिए, प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो ये जो पॉइंट है कोरोना वैक्सीन, इनफैक्ट कोविड जो वायरस है ये खुद से भी एक थ्रोम्बोजेनिक सिचुएशन क्रिएट करता है, और ये सब जो उस समय जब चल रहा था, जब वैक्सीन भी लगाए जा रहे थे और जब ये कोविड भी चल रहा था, तो ये प्रॉब्लम्स कोविड इटसेल्फ यानी उस बीमारी से भी रिलेटेड एक्सेस थ्रोम्बोटिक रिस्क हो सकती है। कोविड वैक्सीन को मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन या हार्ट अटैक्स डेवलप हुए हैं, बिकॉज आप मान के चले उस टाइम पे जब कोविड हुआ तो हर व्यक्ति को ऑलमोस्ट कोविड हुआ है जी। तो उसमें अगर आप देखें कि हार्ट अटैक रिस्क बढ़ी, तो नेचुरली बिकॉज ऑफ कोविड बढ़ी है हार्ट अटैक रिस्क, नॉट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। इनिशियल स्टेज में तो वैक्सीनेशन था भी नहीं, तो मैं तो वैक्सीनेशन था भी नहीं, और सेकंड वेव में हमें ये ज्यादा देखने को मिला था इंडिया में। सेकंड वेव वाला जो कोविड वायरस था ज्यादा डेंजरस था और उसमें काफी ज्यादा थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स किए थे। वैक्सीनेशन से जो रिलेशन है जो उसको माना गया है वो एक बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोगों में है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, बट यस, बट वेरी वेरी स्मॉल। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल भी है, क्योंकि कई बार जो है ना किसी को पेशेंट को जब घर में हार्ट अटैक, हम जो गोल्डन आवर्स की बात कर रहे थे, तो वो जब ऐसा कोई अटैक आ जाए, ऐसा लगे कि अटैक आ रहा है, तो उस वक्त कोई ऐसी फर्स्ट एड की व्यवस्था हम करा सकते हैं? आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं दर्शकों को कि उससे डॉक्टर के पास, मतलब आप तक पहुंचने से पहले उसको कुछ राहत मिले? जी, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए। अपने सबके घर में एक डिस्प्रिन की टैबलेट होती है जी, सरदर्द के लिए अपन यूज करते हैं एस्प्रिन और डिस्प्रिन। आपके घर में 30-25 mg का जो डिस्प्रिन रहता है उसको आप इमीडिएटली आप उसको चबा के उसको खा लें, उसको इनफैक्ट आप उसको जितना जल्दी चबा के खा लें उतना ही जल्दी वो एक तरह का ब्लड थिनर काम करता है, और जो इमीडिएटली जो आपके अटैक के जो क्लॉट वगैरह है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। तो कई बार 30% केसेस में ऐसा पाया गया कि ड्रग इफेक्टिव होती है, तो मैं डिस्प्रिन तो रेकमेंड करता हूँ। इसके अलावा कुछ और भी टैबलेट आते हैं लाइक क्लोपिडोग्रल 4 टैबलेट, कुछ अटोरवास्टैटिन 80 mg टैबलेट, इनको भी आप अपने पास रख सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ कोई साइंटिफिक रिकमेंडेशन नहीं है, बट कुछ लोग इंडिविजुअल बेसिस पे ऐसा बोलते हैं कि आप डिस्प्रिन के अलावा 4 टैबलेट क्लोपिडोग्रल का 300 mg और एक अटोरवास्टैटिन और रोजोवास्टैटिन 40 और 80 mg आप साथ में ले सकते हैं। बट एक्चुअली थोड़ा सा ये काफी स्पेशलाइज्ड एरिया हो जाता है, बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट श्योर कि आपको हार्ट अटैक ही आया है जी, तो डिस्प्रिन लेना सही है। जो बाकी की जो आपने टैबलेट्स बताई वो तो शायद मेरे भी दिमाग से बाहर जाएगी, लेकिन डिस्प्रिन एक सबके दिमाग में रहता है, हम रख सकते हैं जी जी। एक नॉर्मली तौर पे एक सॉर्बिटेट की बात होती है कि सॉर्बिटेट जी, ये सॉर्बिटेट हमने भी सुनी है, पर एक्चुअली ये सॉर्बिटेट टैबलेट जो है आपका एंजाइना कम कर सकती है बट आपकी लाइफ रिस्क कम नहीं करती, पर डिस्प्रिन एक ऐसी चीज है आपकी लाइफ रिस्क जो आपकी है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट यस।
एक और सवाल था कि हम लोग एडवांसमेंट की जो बात कर रहे थे और नई नई टेक्नोलॉजी की बात करते, जैसे कि आज के इसमें पहले सीधा बायपास पे जाते थे, अभी हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं, तो आज के दौर में उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और इसके किस तरह से फायदे हम पेशेंट्स को दे सकते हैं, एडवांसमेंट की बात कर। राइट, पिछले जब एंजियोप्लास्टी काफी सालों पहले जब स्टार्ट हुआ था शुरू में, यहाँ से काफी सालों पहले इंडिया में तो 90s के टाइम पे आया है एंजियोप्लास्टी जी, और फिर हमने देखा कि पिछले 20-30 सालों में इस एंजियोप्लास्टी में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शुरू में सिर्फ बलून किए जाते थे, बाद में फिर मेटालिक स्टेंट आया, उसके बाद 2002 वगैरह में ड्रग एलूटिंग स्टेंट आने चालू हुए, उनसे जो रीब्लॉकेज की रिस्क होती थी कम होती चली गई। फिर धीरे धीरे ये देखा गया कि भाई अब ट्रिपल वेसल डिजीज में भी, पहले ट्रिपल यानी जिनको तीनों आर्टरीज में ब्लॉक है उनको अपन बाईपास के लिए डायरेक्टली भेजते थे, अब आज की डेट में तीनों आर्टरीज में ब्लॉक है उसको भी अपन एंजियोप्लास्टी के जरिए क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी टेक्निक्स हैं काफी समय से जिनमें पहले एंजियोप्लास्टी नहीं की जा सकती थी, जैसे कैल्सिफिकेशन अगर आर्टरीज में है तो आजकल रोटाब्लेशन और IVL के जरिए वो कैल्शियम को अपन डिजोल्व करके फिर वहां पे स्टेंटिंग कर सकते हैं। फिर काफी कुछ नई इमेजिंग टेक्निक्स आ गई हैं जिनको इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड और OCT बोलते हैं, जिसके जरिए अपन हार्ट के अंदर उन आर्टरीज के अंदर जाके अल्ट्रासाउंड करके आ जाते हैं और साइज देखकर स्टेंट का साइज डिसाइड कर सकते हैं क्या ना। तो आजकल बहुत ज्यादा टेक्निक्स रिफाइंड हो गई हैं, बाइफर्केशन स्टेंटिंग है, लेफ्ट मेन स्टेंटिंग है, जो पहले आज से 15-20 साल पहले लोग नहीं करते थे, अब बिकॉज ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी हार्डवेयर बेटर हो गया है, इमेजिंग बेटर हो गई तो लोग ये कर पाते हैं। तो डेफिनेटली आज से पिछले 15-20 साल में काफी ज्यादा टेक्निक्स इवॉल्व हुई हैं और काफी सारे पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी आज की डेट में फीजिबल और एप्लीकेबल हो गई, जहां पे पहले नहीं होती थी। और इसे एक हमेशा ना कई बार हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो हो गई है, लेकिन कई बार लोग वो सर्जरी से भी घबराते हैं, तो ऐसा कोई हमारे पास में मोड ऑफ ऑपरेशन है जिसमें मिनिमल ये जो सर्जरी का जो है प्रोसेस उसको मिनिमाइज कर सके हम? काफी हद तक जहां पे जैसे मैंने अभी बताया कि आज की डेट में कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी भी की जा रही हैं जी, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज ऑल इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड की जाती हैं आजकल, आज की डेट में जो बेसिक जो फोकस रहता है वो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज में होता है और ऐसे पेशेंट में जहां पे एंजियोप्लास्टीज पहले पॉसिबल नहीं थी। इसके अलावा और वैल्वुलर सर्जरीज काफी टाइम से अब विदाउट सर्जरी भी की जाने लगी हैं, लाइक आज की डेट में अगर आपने कभी पढ़ा या सुना होगा उसे अपन टावर बोलते हैं TAVR, तो उसमें हम एओर्टिक वैल्व को सीवियर एओर्टिक जहाँ पे वैल्व एक सिकुड़ गया है उसको अपन जांघ की नस से उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी ओपन हार्ट सर्जरी, तो उसको हमारी भाषा में TAVI और TAVR बोलते हैं। इसी प्रकार से माइट्रल वैल्व पे भी जो अदर वैल्व है उसमें भी इंटरवेंशन चालू हो चुके हैं, किस तरीके से उसको बिना सर्जरी के लिए अपन बिना चीरफाड़ किए अपन चेंज कर पाए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें और इंटरवेंशन जो है अभी आज के डेट में चालू हो गए हैं और फ्यूचर निकट भविष्य में और फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि सर्जरी का जो रोल है इन पेशेंट्स में भी काफी कम हो जाएगा। इससे एडवांसमेंट तो आएगा ही आएगा, मैं समझता हूँ कि ट्रीटमेंट भी बड़ी आसानी हो जाएगी दोनों पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स भी कम हो जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स डे है और न्यू एरा एक प्रतिष्ठित ऐसा संस्थान है जहां पर कई लोग आपके हाथों से और बाकी सभी बीमारियों से ठीक होकर गए हैं और हमने भी अपने आंखों से देखा है न्यू एरा हॉस्पिटल को आगे बढ़ते हुए आपके गाइडेंस में, तो इस डॉक्टर्स डे के उपलक्ष में क्या आप अपने पेशेंट्स के लिए लेकर आए हैं? देखिए, मैं जो नॉर्मली जो मेरा प्रैक्टिस है मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि आपको मेरे पास हार्ट अटैक लेकर और एंजियोप्लास्टी के लिए ना आना पड़े, वहां पे पहला एम्फेसिस मैं देना चाहता हूँ जी। तो सबसे पहला आपकी लाइफस्टाइल में आप देखें कहाँ गड़बड़ हो रहा है, अगर आपकी एज 25-30 क्रॉस हो गई है और आपको लगता है ओवरवेट है तो वहीं से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, आपको वहीं से उसी दिन से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना है। और एक्सरसाइज के अलावा आप अपने डाइट पैटर्न को देखें, आप वो डाइट फॉलो करो जो आपकी दादी जी खिलाती थी आपको, आपकी मम्मी खिलाती थी घर पे, आपको होम मेड फूड पे पूरा ध्यान देना है, आपको अपना जो रूटीन है वो देखना आपका कैसा है। तो डाइट एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और यही बेसिक क्रक्स है कि हार्ट डिजीज आज की डेट में बढ़ रहा है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को कैसे आपको जीना, बिकॉज आज की लाइफ कॉम्पिटिटिव, हर किसी को पता है कि आज की डेट में आपको अगर ऊपर बढ़ना है तो एक लेवल ऑफ स्ट्रेस आपको ही रहता है, खासकर यंग जनरेशन के। तो मैं एक और चीज रेकमेंड कर सकता हूँ, अगर आपको स्ट्रेस बस्टर, तो आज लोग मेडिटेशन की भी बातें करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं स्ट्रेस को बस्ट करने में। तो लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, रोल ऑफ एक्सरसाइज, डाइट एंड ऑफकोर्स स्ट्रेस बस्टर, जो भी मैन्यूवर्स आप करें वो आपको अपने लाइफ स्टाइल में यूज करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप हार्ट अटैक अगर आपको हुआ नहीं उसके पहले ही आप उसको रोक लें तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा आपको हेल्प करेगा। एक बार हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट में कुछ मसल डैमेज हो ही जाता है, तो आपकी फर्दर जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी सी उसमें रेस्ट्रिक्ट हो, रेस्ट्रिक्शन आ ही जाते हैं। हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे दिल से दिल तक की और दिल की बीमारियों की,
और खास करके हमने आज के इस सेगमेंट में फोकस किया है कि यंग जनरेशन को इस बीमारी से किस तरह से बचा जाए। मैं समझता हूं कि दर्शकों को काफी कुछ मार्गदर्शन भी मिला होगा। डॉक्टर साहब और न्यू ईरा की पूरी टीम को हम बीसीएन के माध्यम से डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ में बहुत प्यारी प्यारी बातें की और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत सारा फायदा होगा लोगों को। थैंक यू।